सो गाइज, आज हम देखेंगे जौनपुर शहर के ये नए बने पीपा पुल को। देखते हैं कि कैसे यह पीपा पुल बना है और कैसे आज तक टिका हुआ है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही शानदार पीपा पुल बनाया गया है। तो मैं इस समय हूँ जौनपुर शहर के मियाँपुर में। तो मियाँपुर जब पार करके आएंगे तो मियाँपुर के पीछे के हिस्से में आपको गोमती नदी देखने को मिलेगी। तो यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती थी, तो इस वजह से यहाँ पर एक न्यू पीपा पुल बनाया गया है। इस पीपा पुल को बनाए हुए अभी 3 से 4 महीने हुए हैं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं यह पीपा पुल कितने ही अच्छे तरीके से बनाया, और इस पर सभी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ के लोगों को आने में अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर कम से कम पीपा पुल बन गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सभी लोग को आने जाने के लिए कम से कम एक छोटा सा रास्ता तो बन गया, नहीं तो पहले तो आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती थी। तो आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज, यह जो देख रहे हैं नदी, यह नदी है गोमती नदी। जैसा कि आप जानते हैं, जौनपुर शहर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो आइए अब चलते हैं आगे बढ़ते हुए और आपको दिखाते हैं इस रास्ते को और इस पीपा पुल को। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पीपा पुल बना है मियाँपुर से होते हुए उस पर जब आप जाएंगे, जो सामने देखिए घर दिख रहा है, तो वो सब इलाका पड़ जाता है सिपा में। तो यहाँ के लोगों को अब सिपा मार्केट करने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत ही शॉर्टकट रास्ता हो गया सिपा जाने के लिए। नहीं तो उधर से पूरा मुड़ के जब जाते थे तो बहुत ही जाम का सामना करना पड़ता था। और आप लोग देख ही सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। सो गाइज, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके मन में कोई भी बात हो तो कमेंट जरूर करना। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर से जौनपुर का नया पुल दिख रहा है। तो नए पुल के पास एक पुल और बन रहा है, अभी स्टार्टिंग हुई है। जब वो पुल बन जाएगा ना, तो इस पीपा पुल को हटा दिया जाएगा। तो ये पीपा पुल अभी वैसे ही बना दिया गया है, बस मतलब ताकि दिक्कत ना हो लोगों को। और देखिए, यहाँ पर भैंस के बच्चे सभी जा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इस गर्मी में। समय गर्मी इतनी है, क्या किया जाए। और सभी लोग इस पानी में जाकर ठंडा ठंडा फ्रेश हो जाएंगे सभी लोग नहाकर, और बहुत ही अच्छा लगता है नदी में नहाना। अगर आप भी नदी में नहाए और नहाने के शौकीन हैं तो कमेंट करिएगा। तो गोमती नदी हमारे जौनपुर की है, देख सकते हैं। और गोमती नदी के बगल बगल आपको जंगल जैसा इलाका देखने को मिल जाएगा उस पार। इस पार तो सभी घर बने हुए हैं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही गजब का है भाई। शाम के टाइम में आने पर ना बहुत ही अच्छा लगता है, ताज़ी ताज़ी हवा चलती है, और जब हवा चलती है ना बहुत ही ठंडा महसूस होता है। तो ये जो पीपा है, सभी को देखिए, रस्सी से बांध कर अंदर मतलब किसी चीज़ में बांधा गया है, जो अंदर मतलब लगाए हैं और उसी में बांधे हैं। जब बन रहा था तभी से पता नहीं क्या चीज़ में बांधा गया है, ताकि इसके मतलब जब बारिश ज़्यादा हो तो ये बहे नहीं, इसकी बारिश पानी के कारण इसका बहाव ना हो, एक ही जगह स्थिर रहे, तो इस वजह से इसको बांधा गया है। सो गाइज, यही है जौनपुर का पीपा पुल। हमें भी पता चला कि जौनपुर में मियाँपुर के पीछे कहीं पीपा पुल बनाया गया, तो हमने कहा चलो अच्छे आज चलते हैं यहाँ के ब्लॉग बना लेते हैं। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। देखिए, एक स्कूटी गाड़ी आ रही है, तो ऐसे ही सब लोग का आना जाना लगा रहता है। तो इस समय थोड़ा दोपहर का टाइम है, तो इस वजह से उतने लोग आ नहीं जा रहे हैं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये सब लोहे का पत्रा लगाया गया है, ताकि बारिश हो तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई फिसले ना। और यहाँ पर देखिए, एक भाई साहब मछली मार रहे हैं। तो इनसे हमने पूछा कि मछली मिल रही है, नहीं तो बोला कि नहीं, अभी तो उतनी मछली नहीं मिल रही है, लेकिन जब बारिश होगी तो ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। तब तो यहाँ पर सभी लोग लाइन लगा कर बैठे रहते हैं। हम कहे अच्छा, तो यहाँ पर मछलियाँ बहुत ढेर सारी मिलती हैं। तो इस समय थोड़ी बारिश नहीं हो रही ना, तो जब बारिश होगी, अभी तो बारिश होने वाली है, इस बार बारिश बहुत लेट हो चुकी है, तो बारिश जब होगी तो ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। और यही है, तो
अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसी जो पीपा पुल है ना, तो देखिए सभी बाइक कैसे आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही गाड़ियाँ यहाँ पर आती रहती हैं, ये मत सोचिए सिर्फ छोटी गाड़ी है, इस पर ट्रैक्टर भी आ जाता है, ट्रैक्टर भी यहाँ पर ना आ जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, इतना मतलब मजबूत बनाया गया है कि ट्रैक्टर आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही है, देखिए इसके बगल में तो ये अचला देवी की मंदिर है। तो इस मंदिर को हम, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक अगला ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे, इसी के बगल में है अचला देवी मंदिर। सो गाइस आइए अब हम चलते हैं और इस पीपा पुल को पास से देखते हैं कि कैसे इस पीपा पुल को बनावट है, कैसे बनाया गया है कि यह इस पर सभी फोर व्हीलर गाड़ियां, ट्रैक्टर जैसे बड़े बड़े भारी वाहन सभी आ जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती पीपा पुल पर। तो आइए अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मटेरियल लगाया गया जिससे कि यह पीपा पुल एकदम टिका हुआ है और इतनी भारी गाड़ियां आती हैं तब पर भी कोई प्रभाव इस पीपा पुल पर नहीं पड़ता है। तो ये लोहे का जो बना है, देखिए इसी को पीपा बोलते हैं, तो यही लोहे का है जो स्थिर रहता है। और यहाँ पर आइए पास से देखते हैं तो इस सामने देखिए बड़े बड़े मोटे मोटे गाटर लगाए गए हैं, तो गाटर जो लगाए गए हैं इसी वजह से ये पुल रुका है। तो इसमें लकड़ी और गाटर का प्रयोग किया गया है, तो आप देख सकते हैं गाटर जो है मजबूत, तो गाटर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और इसमें मोटी मोटी लकड़ियाँ लगाई गई हैं। तो लकड़ियों के बीच में ये रेत की जो मिट्टी है वही रखा गया है और इसमें बोरिया भी लगाया गया है। तो इस कुछ इस तरह से इस पीपा पुल को बनाया गया है और तब जाके टिका हुआ है और इस पर बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं। सो गाइज आपको अगर हमारा यह ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना, और अगर आपको कोई जौनपुर का अच्छा सा ब्लॉग देखना हो तो हमें कमेंट करना, हम बना देंगे वहाँ का ब्लॉग। तो ये रास्ता देखे जाता है मियाँपुर में और यहाँ पर लोहे के पत्रे रखे गए हैं। सो इसी रास्ते से मैं आया था, तो मियाँपुर से जब आप आएंगे तो मियाँपुर जब पूरा पार कर चुकेंगे, पार करके आएंगे तो यही पीछे आपको पीपा पुल और गोमती नदी देखने को मिल जाती है। सो गाइज तो मिलेंगे फिर किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो ज़रूर करिएगा।